तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद आप एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू व्लॉग में। और गाइस प्लीज व्लॉग के लास्ट तक बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस व्लॉग में, ठीक है। तो प्लीज भाई व्लॉग के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि भाई आप मेरा व्लॉग बीच में ही छोड़ के चले जाते हो या फिर शुरुआत में छोड़ के चले जाते हो। तो प्लीज भाई मेरा वीडियो लास्ट तक देखा करो, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इसी प्रकार के ना डेली ब्लॉग डालते रहना तो इस चैनल पर, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बढ़ते हैं भाई आगे ब्लॉग में, देखते क्या होता है। लेकिन अभी तो मैं हूँ अपने खेत में हूँ, तो अभी खेत में दिखाता हूँ क्या चल रहा है। खेत में तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, बस ये गोभी था वो समाप्त हो चुका है। लेकिन मम्मी जी है वो उधर देख, पता नहीं गाइस क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रही है आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, ठीक। लेकिन गाइस अभी शाम भी होता जा रहा है, वो देखो सूरज पूरे डूब चुके हैं। तो शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और बहुत से लोग पता क्या समझ रहे होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं डेली शाम को ही ब्लॉग क्यों स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जब से मेरे ब्लॉग देख रहे हो पता होगा आपको, मैं डेली सुबह सुबह नहीं बल्कि शाम को ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी सुबह सुबह कर देता हूँ, शाम को ज्यादातर करता हूँ मैं, ठीक है। सुबह सुबह इसलिए नहीं करता क्योंकि सुबह काफी ज्यादा धूप रहती है, तो धूप ना कैमरे पे पड़ती है ना, तो मेरा फेस अच्छे से नहीं आ पाता और भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन शाम को सूरज पूरे नीचे चले जाते हैं तो वीडियो बनाने में एकदम आसानी होती है, अच्छे से वीडियो बन जाती है। अगर धूप नहीं होगी ना तो वीडियो एकदम मस्त बनेगी, अगर जब धूप कैमरे पे या फिर मेरे चेहरे पे लगे तो वीडियो अच्छा नहीं आता। तो इसलिए गाइस मैं शाम को शूट करता हूँ, ओके। तो रीजन तो पता चल गया, तो बहुत से लोग सोच लेंगे अब मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बकर बकर कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो मम्मी जी हैं, मम्मी जी के पास चलता हूँ और दिखाता हूँ मम्मी जी क्या कर रही हैं। और मेरा भाई है वो घर पे है, और मेरे पापा जी गए बाजार, तो हम तीन लोग घर पे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मम्मी के पास में और दिखाते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, मतलब अपने खेत में, अभी उधर के साइड में था, लेकिन अभी मम्मी के पास आ चुका हूँ। वो रही मेरी मम्मी जी जो अभी फरी तोड़ रही हैं। किसके फरी तोड़ रही हैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन मम्मी के पास जाना पड़ेगा, मम्मी को इधर बुलाते फिर बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मम्मी जी आ चुकी हैं और फरी हैं गाइस, ये बांकला के जी हैं, देख ही सकते हो इसको गाइस, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बांकला की फरी। तो वही फली को तोड़ने, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बनने वाली है बांकला की फरी की सब्जी। और ये देखो इधर लगी हुई छोटी छोटी गाइस, इनको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा छोटी है, देख सकते हो बच्चे बच्चे से गाइस, ये इनको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे ज्यादा है। और भी कई फूल फूल भी लगे हुए हैं देख सकते हो, और उधर के साइड में मम्मी तोड़ने जा रही है, उधर में चलते हैं देखते हो अपनी कितनी बड़ी है, हो सकता है उस पर भी बड़ी बड़ी हो सकती है। और ये हमारा कुछ गोभी का खेत है जिसमें गोभी लगी हुई है, देख सकते हो ये बड़े बड़े फूल, ये अभी कटने वाली है, कल कटेगी आधी और आधी आज कट चुकी है। तो उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस, उधर ना थोड़े बड़े बड़े पेड़ है, मतलब कि बड़े बड़े फरियाँ हैं, तो उधर दिखाता हूँ। और लेकिन इधर तो गाइस जो है ना वो लहसुन की सब्जी हमारी, मतलब फसल है, देख सकते हो इधर लहसुन है, और ये रहा हमारा कुछ बांकला की सब्जी, मतलब कि फसल, और इस पे कुछ बांकला की फरी इस प्रकार की, देखो इस पे कुछ गाइस बड़ी बड़ी ये देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी फसल है इस पे, मतलब कि सब्जी नहीं बल्कि फरी देख सकते हो। और ये देखो गाइस कितना बड़ा ये, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है फिलहाल में, छोटा ही फरी है। तो इसको रखते हैं, मैंने गाइस एक तोड़ दिया और फेंक देते हैं, ओ गाइस रास्ते में गिर गया लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। और मम्मी जी भी तोड़ दिए, इधर देखो इधर भी काफ़ी सारा है, इस पे भी काफ़ी सारा है, ये देखो नीचे तो लगा हुआ है गाइस, लेकिन इनको सारा तोड़ना पड़ेगा हमको, तभी गाइस सब्जी बन पाएगा। और हम अभी तोड़ते हैं और निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने तोड़ लिया अपनी इतनी सारी फरी, हमने नहीं तोड़ा भाई मम्मी जी ने तोड़ा, तो हम बस लेके जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि भाई शाम हो रहा है तो सब्जी तो बनाना पड़ेगा। तो एक हाथ में है मेरे फरी, इतनी सारी देख सकते हो, काफी सारी फरी है, एक पूरे ये छोटी जो जो ही बोलते हैं इसको, उसको पूरा भर लिया है। और आज के फाइनली हम अपने घर पे, और इसको रखते हैं एक साइड में। गाइस आज तो मस्त सब्जी बनने वाली, गाइस ये फेवरेट सब्जी है, फेवरेट नहीं कह सकते क्योंकि इसके अलावा भी और सब्जी भी मेरी फेवरेट है जिसको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ये भी गाइस सही है। गाइस रखते हैं इनको साइड में, यहाँ पर रख देते हैं, ओ गाइस काफी ज्यादा मतलब भारी में, क्योंकि इनके अंदर ना बीज होते हैं तो काफी वजन बढ़ जाता है इनका, तो मैं रख दिया है। और मेरी मम्मी जी अब दूसरा काम कोई कर रही हैं, वो गाइस आल तोड़ रही हैं, आल जानते हो वो गाइस जो लहसुन होता है उसकी पत्तियाँ, उसकी पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, क्योंकि पत्तियों से बनने वाला हमारे घर पे, मतलब पत्तियों से नहीं बनने वाला है, पत्तियाँ बनने वाली इसी सब्जी में, जो कि सब्जी बनता है उसमें सबसे पहले लहसुन की पत्तियाँ डाली जाती है, तब उसको बनाया जाता है अच्छे से, क्योंकि भाई लहसुन की पत्ती भाई लाजवाब होती है, तब गाइस बनता है हमारे घर पे। तो हम तो भाई अभी अपने घर पे देख सकते हो। और प्लीज भाई अगर मेरा वीडियो आपने हद तक देख लिया है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, प्लीज भाई प्लीज इतना काम कर ही सकते हो, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप अगर एक सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे तो भाई दिल से बुरा लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना, क्योंकि भाई इसी प्रकार के डेली ब्लॉग डालते रहता हूँ,
और प्लीज मेरे आने वाले ब्लॉग डेली देखा करो भाई। मेरे वीडियो पे सब्सक्राइबर मैं चैनल पे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा है, ज्यादा नहीं कह सकते 1.60 के मतलब 1600 सब्सक्राइबर लगभग है मेरे चैनल पे, लगभग 1600 कह सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज नहीं आता, 1600 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज 500 भी नहीं जा रहा है, पता नहीं कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज गाइस सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखा करो प्लीज भाई प्लीज, ठीक है तो सब्सक्राइबर तो देख लिया करो कम से कम भाई। और अभी अपने घर पे हूँ, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और मम्मी जी अभी आने वाले खेत से थोड़े देर में, क्योंकि अभी ना वो दोस्तों अभी फिलहाल में हम है रोड पे, मतलब कि रोड पे आ चुके हैं ठीक है घूमने के लिए। मेरा भाई मेरे साथ में है और आप लोग मेरे साथ हो ठीक है। तो अभी मैं रोड पे आऊँ और भाई साहब आज ना शाम कुछ ज्यादा ही हो गई यार, मैं सोच रहा था शाम को ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ लेकिन आज कुछ ज्यादा ही शाम हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कल जब घाम ढलेगी ना तब धूप ढलेगी तब मैं गाइस ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही धूप ढल गई यार, शाम होता जा रहा है। ये देखो पूरा यहाँ का मौसम, मतलब कि पूरे यार शाम के बराबर कह सकते हो, देख सकते हो कितना भयानक टाइम हो चुका है, मतलब भयानक नहीं कह सकते, कब ये शाम हो रही है तो कुछ ज्यादा ही शाम हो गया। मैं सोच रहा था बस ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत शाम होगा लेकिन ज्यादा शाम हो गया ठीक है। तो भाई मेरे आपसे एक छोटी सी विनती है जो मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ और वहाँ भी कह रहा था मैं आपसे घर पे, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि भाई जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा गाइस मैं ना लगभग यूट्यूब पे 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल का रेंज मेरे को अभी कुछ भी नहीं मिला। बहुत से लोग कहते हैं 1 साल में हर कोई बंदा यूट्यूब पे सक्सेस हो जाता है, यूट्यूब पे मतलब कामयाब हो जाता है, लेकिन कोई कहता है 1 साल में, कोई कहते 6 महीने 5 महीने 1 महीने में, लेकिन भाई 1 साल मेरे को लगभग फोन नहीं हुआ तो होने जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरा इसके बीच अब क्या रिलेशन है, हो पाऊंगा या फिर कामयाब मैं नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि भाई अब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर तो कम्प्लीट है लेकिन बहुत टाइम भाई अभी नहीं हुई है। भाई आप लोगों से भी छोटी सी विनती है प्लीज सपोर्ट और प्यार करते रहिए यार, ताकि जल्दी जल्दी बहुत टाइम कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि यार अभी व्यूज ही मेरे वीडियो पर अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर बहुत टाइम कैसे कम्प्लीट होगा। सब्सक्राइबर जो है वो आपकी दुआ से कम्प्लीट हो गया लेकिन भाई बहुत टाइम रह रही है, तो भाई आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि मेरे चैनल पर जो है बहुत टाइम जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। तो प्लीज भाई थोड़ा प्यार और सपोर्ट अपना बढ़ाइए यार, थोड़ा लिमिट बढ़ाइए प्यार सपोर्ट की, ताकि यार आप लोग ईद के पास में जल्दी जल्दी बहुत टाइम सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि भाई भाई मैं वीडियो डेली डालता हूँ, लोग कहते हैं भाई कंटिन्यू रहो, यूट्यूबर काफ़ी सारे क्या कहते हैं पता है 1 महीने तक लगातार रहो एक ना एक वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, मैं नहीं मानता ये चीज़ भाई, मैं 1 महीने क्या है 1 साल से कंटिन्यू हूँ लेकिन अभी भी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्यों हो रहा है। हाँ एक बार तो लगा कि मैं बीच में कभी एक दो बार वीडियो छोड़ दिया मिस कर जाए, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि ना मैं कभी तकलीफ हो जाता मेरे को या फिर कोई भी दिक्कत होता है तभी कैसे मिस करता हूँ, वैसे मिस नहीं करता, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा ही मैं कंटिन्यू रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरा कोई अच्छा रेंट नहीं मिला, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ ठीक है। बस मेहनत करते रहता हूँ और आप लोग के भरोसे हूँ, जैसा मेरे को रेंट मिलने वाला है वो आप मेरे को आगे पता चलेगा ठीक है। तो अभी करने वाले फाइनली ब्लॉग है पेंट, क्योंकि शाम भी भाई होता जा रहा है ठीक है। तो ब्लॉग पसंद आया लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ठीक है, और कमेंट करना कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर बेझिझक दे दूंगा, जो आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, और आप भी हमें प्यारा सपोर्ट करते रहेंगे, मिलेंगे आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। तो प्लीज जय हिंद और जय भारत।